दिलीप जी परिचय करवाना चाहेंगे आपके साथ? सर ये हमारे संजय महतो जी हैं, राइटर। इस फिल्म के लेखक, पटकथा, संवाद सारा इन्होंने लिखा है। इन्होंने बहुत मेहनत किया, 3-4 महीने से इन्होंने स्टोरी लिखी है। अभी बाकी चीज़ें बताएंगे आपको। ये हमारे बड़े पुराने मित्र हैं। बताइए फिल्म के लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आप सभी को मेरा प्रणाम। फिल्म बहुत अच्छी है और पारिवारिक फिल्म है, और शायद ऐसी लव स्टोरी अभी तक नहीं आई कि किसी के प्यार को मिलवाने के लिए कोई अपना प्यार को खो छोड़ देता है, और ये इस फिल्म में है। और क्योंकि हमारे सर हैं, इनके साथ की हमारी ये दूसरी फिल्म है ये, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि हम समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें हम कितना सफल हो पाते हैं ये तो आप और दर्शक लोगों का प्यार ही मुझे बताएगा। लेकिन मैंने इस फिल्म को बहुत अच्छे ढंग से लिखा है, और ख़ास करके हमारे जो प्रोड्यूसर और हीरो दुबे सर जी हैं, इनका करेक्टर, और प्रमोद जी हैं, उनका करेक्टर, वो सब अपने आप में एक मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं कहानी को तो पूरा नहीं खोल सकता क्योंकि आप हमारी पाबंदियाँ समझ रहे हैं, है ना। ये कहानी कहीं से प्रेरणा मिली है या मन की ग्रंथ है, कहाँ से आइडिया आया कि इस सब्जेक्ट? देखिए, चूँकि टाइटल जब सर ने सुनाया, आइडिया तो सर आजकल हर गांव समाज में मौजूद है, प्यार हर जगह मौजूद है, है ना। और मेरी फिल्म का टाइटल ही है रूप मेरे प्यार का, है ना। तो रूप के दीवानी तो पूरी दुनिया है और सदियों से चला आ रहा है, और आगे भी मतलब रूप के दीवाने लोग रहेंगे। तो सर दुबे सर ने मुझे बताया कि मैं कुछ नया चाहता हूँ। फिर दिलीप सर मुझे बोले कि देखो, हम एक्शन तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक फैमिली ड्रामा हमें चाहिए। आप देख रहे हो इसमें एक तरफ विलेन है, और विलेन की पूरी एक फौज खड़ी है ना, लेकिन विलेन दो भागों में बटा हुआ है। तो दो भागों में बटने का मतलब है कि एक लड़की के पीछे पूरा विलेन भी लगा हुआ है, दूसरा हीरो भी लगा हुआ है, ठीक है। मतलब हर सीन के बाद ट्विस्ट आपको दिखेगा इस फिल्म में कि आगे क्या होने वाला है। और मेरा पूरा प्रयास है कि दर्शक बंधे रहें, कुर्सी से चिपके रहें, है ना, कि उनको लगे कि मतलब अगर महसूस भी हो कि तो उठ के जाए नहीं। दोनों हीरो के किरदार को लिखने में कितना मेहनत करें, एक तरफ सुपरस्टार, एक प्रोड्यूसर, खुद हीरो? नहीं देखिए, बहुत लड़ना पड़ा, ठीक है। मतलब दोनों आदमी का, दोनों समझिए कि अगर वो सुपरस्टार हैं तो हमारे आने वाले कल के ये सुपरस्टार हैं, बस इतना ही फर्क है दोनों आदमी के बीच में। उनकी फिल्में आ चुकी है और इनकी आने वाली है, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। क्योंकि कला आपके अंदर मौजूद होता है, खाली उसको बाहर निकालना है, और उसको बाहर निकालेंगे हमारे दिलीप सर इस चीज़ को। तो इस तरह से फिल्म मतलब दोनों में कहीं ठसन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी फिल्मों में आपने देखा होगा कि ट्रायंगल लव स्टोरी है, पर ठसन नहीं है, सस्पेंस बहुत ज़्यादा है। हाँ, ये ठसन नहीं है। मतलब कि सेकंड हीरो को भी नहीं, मतलब हमारे प्रमोद जी को भी नहीं पता है कि हमारे हीरो अभी कहाँ है, किस अवस्था में है, है ना। इन्हें भी नहीं पता है कि इनका कुछ मतलब बैक है, फ्लैश बैक है, लेकिन वो सब सब प्री क्लाइमैक्स में खुलता है। तो फिर मतलब वो सब हाँ इंटरटेनमेंट है। आप कॉमेडी हैं, कॉमेडी के लिए अपने मनोज टाइगर जी, बतासा जी हैं, तो और खास करके हमने एक्शन, इमोशन और कॉमेडी, ये तीनों का तड़का भरपूर है सर इस पूरी फिल्म में। तो इतने सारे कथानक के बावजूद में गीत संगीत का आपने जगह कहाँ से बना? नहीं सर, गीत संगीत का तो सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान शुरू से रहा है, और संगीत के लिए हमारे अनुज तिवारी जो म्यूजिक है वो हमारे पुराने मित्र हैं, और कृष्णा बेदर्दी जी ऑलरेडी अच्छे म्यूजिशियन हैं। तो अगर संगीत नहीं होगा तो सर सिनेमा नहीं सजेगी, तो इसीलिए आपको इसमें मतलब पूरा फैमिली, यानी कि लगेगा कि नहीं हम एक साथ बैठ के सिनेमा देख सकते हैं। आप चलते चलते क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को, जिस तरह से चलते से जाओ, बस हमें दर्शकों का प्यार चाहिए और वो अपना प्यार दें। और बाकी संजय मेहता जी ने बहुत मेहनत किया है, पिछले 5-6 महीने से कहानी पर उन्होंने अपनी देर रात कर दिया है, और उन्होंने चाहा है कि एक खूबसूरती से कहानी को कैसे अच्छा बनाया जाए। अपने किरदार के लिए कितना इनको आपने किया, मेरा किरदार ऐसा लिखा? एक्चुअली मुझे बताने की जरूरत नहीं, इन्होंने मुझे देखा और इन्होंने अपने हिसाब से डिसाइड किया, हमने कोई प्रेशर नहीं जाए अपने किरदार के। सही बोल रहे हैं।